सबसे पहले जी ये जगह जगह से आप देखिए जो है चीनी टाइल का, ये जो है टूट चुका है मसाला, जो इसका लगा होगा वो टूट चुका है। तो मैंने वाइट चौक ली और इस वाइट चौक से और आपको जो सूटेबल हो टाइल के हिसाब से वो चौक ले ली। इजी तरीका, इजी मेथड बता रही हूँ, उससे मैंने ये जी ये देखो ये वाला फिल कर चुकी हूँ इस तरह किया। तो अब ये इनहेंस नहीं हो रहा कि भाई ये बहुत ज़्यादा टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है। इस तरह आप भी इसको फिल कर लें और अपनी चीज़ें जो टूट फूट हो रही हैं उसको बेहतरी की तरफ ले आएँ ताकि वो कुछ टाइम और चल सके। इसके साथ ही ये हमारा है सोफ़ा का बेड, इसका जो ब्लैक लेदर है बहुत ख़राब हो चुका है। तो फिर मैंने ये मेरा नेट का दुपट्टा है बहुत टाइम यूज़ किया और उसके बाद ये है मुझे एलर्जी का मसला हो गया। तो फिर मैंने इसका ये है कि इसमें नेट में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और शाइनिंग भी कपड़े में, तो इसके जो है बाजू जो होते हैं साइड के जो, इस बार इसको मैंने इस तरीके से, बहुत पुराना हो चुका था तो मैंने इस नेट के कवर से इसको हाइड किया और इस तरह इसमें खूबसूरती और सफाई आ गई और ये नुमाया नहीं हो रहा कि ये बहुत सोफ़ा जो है पुराना या ओल्ड है। इसी तरह हम अपने छोटी छोटी चीज़ें से अपने चीज़ों को जो बेस्ट चीज़ें हैं उनसे बेहतरी की तरफ, पुरानी चीज़ों को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं और वो ज़्यादा चल सकती हैं। और ये है आप इस तरह सेविंग भी कर सकते हो, सेविंग ना भी करो तो मज़ीद नई चीज़ें ख़रीदने की, जब आप में आपके पास इतना अमाउंट ना हो तो आप ये काम करें। लेकिन ये है कि हर काम DIY करने के लिए मेहनत होती है और मेहनत होती है, हार्डवर्किंग होती है। छोटा सा छोटा काम, यहाँ तक कि चाय का एक कप है वो खाली रखा हो उसको हम अपनी जगह पर रखने के लिए भी हमें किचन तक जाना होगा, उसको धोना होगा और फिर उसको उसके काउंटर पर उसकी जगह पर रखना होगा। मतलब ये है कि हर चीज़ के लिए हमें काम तो करना होगा, साथ साथ स्टिचिंग का भी हो रहा है। इसी तरह ये केबल का तार था जो पहले भी बताया था, इधर मैंने बोतल का ये इससे तार को जो है, अब हमारा इधर जो है टीवी नहीं है, टीवी कोई देखता भी नहीं है, तो अब हमारे घर में जी टीवी LCD या जो भी होते हैं वो टीवी नहीं है, मोबाइल से ही काम चलता है। ये बहुत ज़बरदस्त मोबाइल सोशल मीडिया का काम ले सकते हैं, नॉलेज इससे ले सकते हैं हम, हर किस्म की नॉलेज, लर्निंग, टीचिंग, हर किस्म की ये जो है मोबाइल का अच्छे यूज़र बने तो ये हमें हर किस्म की नॉलेज, मालूमात, एंटरटेनमेंट, हर चीज़ आपको देगा। सीखने का शौक है, स्विंग हो या पेंटिंग हो या कुछ भी हो XYZ, हम इससे लर्निंग का काम भी और ले सकते हैं और टीचिंग का काम, सिखाने का काम भी, टीच भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि किसी भी चीज़ के आप कैसे यूज़र हो, उसका क्या इस्तेमाल लेते हो, नेगेटिव लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, लेकिन हर चीज़ में जो है बैलेंस होना ज़रूरी है। ये छोटे छोटे हैक हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अप सेट डाउन तो हर जगह होते हैं और जो है हम जाहिर है थर्ड एड जो है जो हम जो हैं तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, फाइनेंशियली हमारे कंट्री को और घरों में प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों को भी बेहतर बनाकर हम खुश हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों में कीमती चीज़ें रखी होती हैं, उनको सही उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता तो वो भी कुछ दिनों बाद देखने के काबिल भी नहीं होती। इसलिए चीज़ जो भी हो उसको बेहतरी की तरफ लाएं, खुश रहें, यही ज़िंदगी के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बेहतर है। इसी में ज़िंदगी की खूबसूरती है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।